संत तुकाराम जी थे महाराष्ट्र के, शिवाजी ने उनको भेंट में बहुत कुछ सामान भेजा, सब लौटा दिया, कुछ भी अपने पास न रखा और चिट्ठी लिखकर भेजी कि मैं इन सब चीजों को लेकर क्या करूं, ये मेरे लिए शुभ नहीं है, मेरे को तो विष्णु सहस्त्र नाम प्रिय। तुकाराम जी विष्णु सहस्त्र नाम लिखते थे। बेटी की शादी हुई तो दामाद को दहेज में विष्णु सहस्त्र नाम दे दिया कि मेरे पास यही है बस, और दामाद भी खुश होकर ले गया। तुकाराम जी ने कहा, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं, भगवान के हजार हाथ तेरे साथ हैं बेटे, तेरी रक्षा करेंगे। उसको और क्या चाहिए, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया तुकाराम जी के मुख से। तो चिट्ठी में लिखा कि मुझे इस प्रपंच में क्यों डालते हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे भगवान मेरा दिल जिसको नहीं चाहता वो मुझे तुम क्यों देते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यों तंग करते हो, मैं तो चाहता हूं एकांत में रहूं, मौन रहूं, जहां केवल आप हो और मैं हूं, बस मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब विषयों को वमन के समान, जैसे कोई वमन कर दे उल्टी कर दे, ऐसे सब विषयों को मैं वमन के समान त्याग दूंगा। कैसी सोच, कैसी बुद्धि, हे भगवान आपको पता है मैं क्या चाहता हूं, ये तो आपकी आदत बन गई है कि जो आपको पाना चाहता है आप उसके सामने ऐसे ऐसे प्रलोभन भेजते हो कि वो आपको भूल जाए, पर मैं उन भूलने वालों में से नहीं हूं, मैं आपको नहीं भूलूंगा। हे भगवान मुझे कितने भी संसार के विषय मिले मेरी उनमें कोई रसबुद्धि नहीं, मैं चींटी और सम्राट दोनों को समान समझता हूं। इच्छा और मोह तो कलिकाल की फांसियां हैं, मैं आपकी कृपा से इनसे छूट चुका हूं, इच्छा से और मोह से। त्रिभुवन का सारा बल आपकी कृपा से मेरे भीतर आ गया है, मुझे और कोई क्या दे सकता है, पारस छोड़कर मैं चकमक की इच्छा क्यों करूंगा। कैसी तुकाराम जी की भावना थी। जिनको गुरु मिलते हैं और जिनका अपने गुरु में पूर्ण भगवत भाव होता है, 28-29 साल पहले की बात बताता हूं आपको, कुछ लोग ही बैठे थे, गुरुदेव ने कहा किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो, तो एक आदमी ने खड़े होकर बापूजी से पूछा कि गुरु तो समर्थ हैं पर शिष्य समर्थ क्यों नहीं हो पाता है, तो गुरुदेव ने मुझे खड़ा किया, तब की बात है 28-29 साल हो गए लगभग इस बात को, मुझे खड़ा किया कि खड़ा हो, इसने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे। गुरु समर्थ है शिष्य समर्थ क्यों नहीं हो पाता है, मैंने कहा मुझे याद है, मैंने कहा गुरु तो समर्थ है पर शिष्य समर्थ नहीं हो पाता, उसका एक कारण यह है मुख्य कि शिष्य जब तक अपने गुरुदेव में दोष देखता रहेगा तब तक वो कभी समर्थ हो ही नहीं पाएगा, वो असमर्थ ही रहेगा। मुझे एक बहन ने पूछा कुछ 3-4 साल पहले कि आप गुरुदेव के इतना नजदीक रह चुके हो, सेवा करते हो, तो आपको कभी अपने गुरुदेव में दोष दिखता है या नहीं। उसने मुझे कहा कि आप खाली हाँ या ना में जवाब दो बस, क्योंकि आप प्रवचन करते हो, आप व्याख्या अच्छी कर लोगे, खाली हाँ या ना बोलो, आपको दोष दिखता है कि नहीं। मैंने कहा नहीं। तो बोले कैसे। मैंने कहा सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है, सूर्य में अंधेरा होगा। बोले नहीं। बोले ऐसे ही गुरु में दोष कैसे होगा। चंद्रमा में तपन होगी। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बहन जब चंद्रमा में तपन नहीं होगी तो गुरु में दोष कैसे होगा, और हो सकता है चंद्रमा में तपन हो भी जाए, सूर्य ठंडा बर्फ का गोला बन जाए, नदी की पानी से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लग जाए, परंतु फिर भी सदगुरु में कोई दोष होता नहीं, हो सकता नहीं। तो बोले ये बात
समझ में कैसे आए? मैंने कहा समझ में किसी को नहीं आएगी, ना मुझे ना आपको। बोले समझ में नहीं आएगी तो हम माने कैसे? मैंने कहा मानना ही है, ईश्वर और गुरु जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। जैसे माता और पिता मानने का विषय है, बच्चा अगर जानने को बैठेगा ये मेरी माँ है कि नहीं तो बच्चे का विकास कैसे होगा? बच्चा तो मान लेता है मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, मान लेता है तो कितना आनंद में रहता है। ऐसे जो शिष्य मान लेता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, मान लिया तो बस फिर उसकी उन्नति शुरू है। अगर बोले समझ में आ गई गुरु की महिमा तो फिर समझ बड़ी हो गई और गुरु छोटे हो गए कि हमको समझ में आ गई बात, हमको गुरु की महिमा समझ में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि समझ छोटी है, वो मन बुद्धि से परे है। मान सकते और मानने वाला फायदे में बहुत रहता है। जैसे हिरण्यकश्यप मानता नहीं था कि भगवान है और प्रहलाद मानते थे भगवान है, मानते थे तो फायदे में रहे। पार्वती जी ने अपने गुरु नारद जी की महिमा मान ली, स्वीकार कर ली तो कितना फायदा हुआ। सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, हार गए और पार्वती जी की जय जयकार आज भी हो रही है। तो मानना बहुत जरूरी है। और वो ज्यादा मान सकता है अपने गुरु को, गुरु की महिमा को, जो भोग सुखों का त्यागी है, जिसकी उसमें रुचि नहीं है, इंद्रियों के विषयों में जिसकी रुचि नहीं, वो ज्यादा मान सकता है। आंखों से किसी के रूप के प्रति आकर्षण नहीं, कानों से संगीत सुख का आकर्षण नहीं, नाक से परफ्यूम की गंध का आकर्षण नहीं, जीभ से स्वाद सुख का आकर्षण नहीं, त्वचा से स्पर्श सुख का आकर्षण नहीं, वो ज्यादा मान सकता है अपने गुरु को। उसका हृदय भक्ति से भरा रह सकता है जो इंद्रियों को अविषय बनाने के रास्ते पर है। भले 100% अपनी इंद्रियों को विषय रहित नहीं बना पाया, इंद्रियां खींचती है। देखो एक बात पते की है कि इंद्रियां अपने विषयों की ओर खींचती है, जीभ स्वाद के तरफ, आंख रूप के तरफ, कान संगीत के तरफ, है ना, खींचती है। परंतु उस साधक का उद्देश्य, भक्त की भावनाएं अच्छी है, ऊंची है, इंद्रियां कई जन्मों की आदत के कारण फिर से विषयों की तरफ खींचती है। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त को संसार के विषय अपनी ओर खींचते हैं। तो इंद्रियों का स्वभाव कई जन्मों के संस्कार के कारण खींचती है, पर भक्त अगर अपनी पुकार को जारी रखता है, अपनी भावनाओं को गुरु के चरणों में बढ़ाता जाता है तो प्रायः प्रगल्भया भक्तया, यह प्रगल्भ भक्ति हो गई तो भक्ति की जीत हो जाएगी और विषयों की हार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस भक्त की भावना ईश्वर और गुरु समझते हैं कि इसकी क्या भावना है। भले इसकी इंद्रियां इसको खींच रही है विषयों की तरफ, पर ईश्वर रहति न प्रभु चित्त चूक किए, कि रामायण में लिखा है भगवान और गुरु के दिल में हमारे अवगुणों की छाप पड़ती ही नहीं है। हमारे सद्गुणों की छाप तो पड़ जाती है पर हमारे अवगुणों की छाप उनके दिल में नहीं पड़ती है। ये बड़ा फायदे का काम है भक्त के लिए। और देखो यही कारण था कि अर्जुन कई शंकाएं कर रहे हैं भगवान के आगे, पर अर्जुन की शंका नहीं जीती, श्री कृष्ण की करुणा जीत गई। अर्जुन का संदेह नहीं जीता, श्री कृष्ण की कृपा जीत गई और अर्जुन का कल्याण हो गया। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा जीत जाएगी और हम साधकों का कल्याण हो जाएगा, हम सत्संगियों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत 30 साल का अनुभव है कि गुरुदेव के दिल में करुणा और प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में पानी है, वो पानी तो खारा है, वो हम पी नहीं सकते हैं, पर गुरु के दिल में जो करुणा है उसमें खाराश नहीं है, प्रेम की मिठास है। मिठास उसका अनुभव भक्त को होगा,
आस्थावान को होगा, और जिसको ऐसा अनुभव होगा ना वो और अधिक अपने गुरु से लाभान्वित होगा, उसको साधना करनी नहीं पड़ेगी, उसकी होने लगेगी। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, वो भक्त पहुंच पाता जिसको ये मन की माया छल न सके। जोगी ने ही संवारा, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है धुन, गुरुदेव का सुमरण हो और उन्होंने ही हमको संवारा है और आगे भी संवारेंगे, वही हम कौन होते, कृपा से काम होगा, उनकी कृपा से होगा। यह गुण साधन ते, सुग्रीव ने कहा राम जी को, जब राम जी ने कहा आखिर तू रामकाज भूल गया ना, भोगों में डूब गया, ये तूने ठीक नहीं किया, रामकाज क्यों भूल गया तू, सुग्रीव राम जी के सामने देखते रहे, बोलो बोलो सुग्रीव, मैंने तुम्हें रामकाज सौंपा था ना, तुम क्यों भूल गए। सुग्रीव की आंख में आंसू आ गए, सिर नीचे झुक गया शर्म से, नहीं तो वही भगवान राम थे जो पहले कह रहे थे जिस तीर से मैंने वाली को मारा है उस तीर से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा, जही सायक में मारा बाली, जिस तीर से वाली को मारा है उस तीर से सुग्रीव को खत्म कर दूंगा। पर सुग्रीव जब सामने आया तो राम जी ने तीर उठाया, हाथ उठाया मारने के लिए, एक बार भी नहीं उठाया। सुग्रीव के तो नेत्र भर आए पर भगवान का दिल भर आया करुणा से। साधक कहीं भी बैठा हो, अपने गुरुदेव का मंत्र जपते जपते, गुरुदेव का सुमरण करते करते जब उसकी आंख भर जाती है तो उस समय गुरु कहीं भी हो, गुरु का दिल भी करुणा से भर जाता है। सुग्रीव की आंखें भर आई, जैसे अपने बापूजी लीलाशाह बापू के आश्रम में गए दर्शन करने को, 40 दिन इंतजार किया कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे गुरुजी, और गुरुदेव लीलाशाह बापू जब आए, बापूजी ने प्रणाम किया, गुरुदेव लीलाशाह जी ने पूछा कैसे आना हुआ, बापूजी ने कहा आपके दर्शन करने के लिए। तो लीलाशाह बापू ने कहा दर्शन हो गए ना, अब जाओ। तो अपने बापू कुछ बोले नहीं, केवल लीलाशाह बापू के तरफ देखा, बापू कुछ नहीं बोले पर बापूजी की आंखों से आंसू निकले। तो गुरुदेव के हृदय का प्रेम गुरुदेव की आंखों से निकला तो लीलाशाह बापू उनके हृदय की भावना समझ गए, क्योंकि प्रेम की भाषा मुख से बोली नहीं जाती है, आंखों से बोली जाती है, और जिसके लिए बोली है वो हृदय के माध्यम से अपने भक्त की प्रेम की भाषा को समझ जाते हैं। ये प्रेम की बोली कानों से नहीं सुनी जाती है, हृदय से सुनी जाती है। जैसे विश्वामित्र जी राम जी को लेकर अहिल्या जहां शिला के रूप में पड़ी थी आए और कहा कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ये नहीं कहा किसने पाप किया है, नहीं कहा, गुरु का दिल होता है, ये नहीं कहा इसने पाप किया है गलती की है, नहीं कहा, इतना ही कहा गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, उपल माना पत्थर, उपल देह धरी धीर। तो ये क्या चाहती है, राम जी ने पूछा, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो भगवान ने कहा कि महाराज
ये तो पत्थर के रूप में पड़ी है, आपसे तो कोई बात हुई नहीं। फिर आपने कैसे जान लिया कि ये मेरी चरण रज चाहती है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि इसने कुछ कहा नहीं, पर इसके हृदय के भाव मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो प्रेम की भाषा आंखों से ही कह दी जाती, हृदय से समझ ली जाती। तो बापू जी की आंखें बोल गई, लीलाशाह बापू का हृदय समझ गया, और फिर लीलाशाह बापू ने वैसा ही किया। तो सुग्रीव की आंखें झुकी हैं, आंखें बरसी हैं, और राम जी का दिल बरसा है। क्यों सुग्रीव तुम राम काज क्यों भूल गए बताओ? सुग्रीव ने कहा, हाथ जोड़कर विनीत भाव से, विनम्रता से, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा से ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो हम पर भी गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव का स्वभाव है कृपा करना। जैसे सूर्य रोशनी दिए बिना नहीं रह सकते, चंद्रमा शीतलता बरसाए बिना नहीं रह सकते, गंगा जी शीतल जल दिए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपनी करुणा कृपा बरसाए बिना रह ही नहीं सकते।